गाइस आज छठ पूजा का तीसरा दिन है, तो यहाँ पर अभी अर्घ दिया जाएगा। तो पहला अर्घ डूबते हुए सूरज को दिया जाता है, तो उसके लिए तैयारी हो रही है। देखो घाट इस तरीके से बनाया गया है पूरा का पूरा, और देखो डलिया सजा रहे हैं अर्घ देने के लिए। पता कपड़िया हमने दिया नहीं है, रख दे चल साड़ी चेंज कर लेना। हटे हटे दीवार जलाना तो करिया है, अब तो जले मिल जाएगा रे। आ जलते ही लेते नहीं नजर पर रख दियो, धड़ में नहीं रखना, कन्ने कन्ने रखियो जो खून है किचन में कर लो। तो दोस्तों अब पूरी तैयारी हो गई है, बस अब इसको बांध के लेके जाएंगे अर्घ देने के लिए। मम्मी और दीदी जो पर्व वर्ती है, इन्होंने पर्व कराया छठ का, मेरी माँ और दीदी ने। देखो अर्घ देना शुरू कर दिया सबने, ये अर्घ दिया जा रहा है डूबते हुए सूर्य देव को। देखिए कितना भीड़ है, भीड़ है दोस्तों चारों तरफ, इस तरीके से भीड़ है फुल। ये घाट बनाया हुआ है, यहाँ पर हर साल इस तरीके से घाट बनता है। ये अपना छठ महापर्व पहली अर्घ है आज। तो गाइस मेरी माँ अर्घ दे रही है, देखो हमने सूर्य उठा लिया है, सूर्य अस्त हो चुका है, तो अर्घ देना स्टार्ट हो गया है। अब धीरे धीरे सब इस तरीके से रखेंगे, इस झांकी को आप लोग जरूर देखें, नृत्य को जरूर देखें। धन्यवाद। देख सकते हैं कितनी भीड़ है, ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा बना हुआ है घाट जो बनाया गया है, और ऐसे ही इतनी भीड़ है हर जगह पर। सबने अर्घ दे दिया, अब सब जा रहे हैं, अब आएंगे वो सुबह सुबह, सब अब जा रहे हैं। पहला अर्घ दे चुके हैं सबके सब, अब सब धीरे जा रहे हैं। आप देखो धीरे धीरे घाट खाली हो रहा है, अब सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। शाम का तो हो गया, डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया गया, अब सुबह उगते हुए सूरज को रख देंगे। अब मैं आपको सुबह दिखाऊंगा।